वॉइस ऑफ इस सारे नाजरन को जुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचा है। नाजरन ने मोहतरम इस वे असी खलते दें गौरमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बिच और तुम को दसता चला कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान बिच अपनी नवीयत की पहली दो तिहाड़ी की जी वर्कशॉप है इतने मुनकद हो रही है, जी वर्कशॉप आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जड़े उसते उस आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का की किरदार है या उसको असं किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने सारिया चीज़ों को मलखूज नज़र रखे गया है और ना ही इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करदे हो या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करदे हो या शोबे टिप्स हों किस किस्म नाल एक इनकलाब जिहड़ा है वह बरपा किया। इस वेले असंको खुशी हो रही है आखते हो कि पहाड़ी जुबान के नामवर माहिर मुअल्लिज डॉक्टर नसीर अवान भी इस वर्कशॉप का हिस्सा हैं जिहड़े कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी बिच प्रोफेसर हैं SMHS अस्पताल श्रीनगर भी। डॉक्टर साहब सारे तो पहले तो तुस्ता जी आया को अस्सलाम जी शुक्रिया सर तुसों कोलों मैं सारे तो पहले यही पूछना चाहता कि तिब दे शोबे बिच चूंकि अपनी नवीयत दी पहली वर्कशॉप जिहड़ी है कश्मीर बिच हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस किस तरीके का रोल अदा कर रहा है तिब दे शोबे बिच? आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मतलब जो है एक नया मतलब मॉडलिटी ऑफ जी अपलायंस है मतलब पूरी मतलब हर एक फील्ड बिच लेकिन उस मेडिकल फील्ड बिच मतलब अपना कदम रखा अच्छी तरह जी मतलब इसको असी मतलब अपने इस मेडिकल फील्ड बिच अप्लाई किए वास्ते जिंस को लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा है मतलब हूँ रिसेंटली जो ला गया मतलब रोबोटिक जी मतलब जिस बिच असी फर्ज करते हैं नॉर्मली अगर असी नेकड आई नाल कोई ऑपरेशन करते हैं उस पर असों बड़ी मुश्किल लेंदी है जी मतलब उसका इमेज असों को बड़ा घट बनता है हमें जी रोबोटिक्स हैं मतलब इस 20 टाइम्स मोर देन प्रेसिजन बहुत ज़्यादा जी इस बड़ा ईजी होंगे असों को मतलब सर्जरी करनी और पेशेंट वास्ते बड़ा ईजी होंगे है कंप्लीकेशन मतलब बड़े घटते हैं जी और यानी कि जी हाथ नाल सर्जरी होंगी रोबोट्स कर सन जी जी और मतलब ये आसान मतलब डॉक्टर वास्ते मतलब डॉक्टर खासकर सर्जन वास्ते मतलब बड़ा आसान हो गया जी मतलब सर मैं इसको ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि बैरून रियासत में या बैरून ममालिक की गल करा तो उतें कई ऐसे अस्पताल हैं जिथे रोबोटिक जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करते हुए सर्जरियाँ होते हैं क्या जम्मू कश्मीर बिच इंट्रोड्यूस होया? जम्मू कश्मीर मतलब मान क्यों ये पहली टाइम मतलब फर्स्ट टाइम मतलब ये असं कर रहे हैं जी इतने पहले ऐसा कदम भी नहीं होया जी एक लास्ट टू लास्ट ईयर रस्ता मतलब एक रोबोटिक बिच असों को हाल ही वो भी हैंड सन वर्कशॉप एक ऐसा रस्ता मतलब प्राइवेट उस होटल एक बिच जी अच्छा तो डेढ़ वो भी एक छोटे जे मतलब इस वास्ते से लेकिन अप्लाई असं सुन ज़्यादा फिर नहीं किया असने कॉलेज में चीज़ नहीं आई लेकिन हूँ इंशाल्लाह अज जो सिलसिला हो रहा है इस वजह से उम्मीद है कि मतलब कॉलेज में आ गया सी और अप्लाई हो गया सी इंशाल्लाह जी मतलब हॉस्पिटल आ गया सी और पेशेंट तो मतलब इसका यूज़ हो गया सी जी। डॉक्टर साहब हूँ जिमन चूंकि असं पहाड़ी कौम को रिप्रजेंट करते हैं तो उस हवाले न गल कर सी तुम को पूछना चाहता अस्ते कई पहाड़ी डॉक्टर जिस तरह उन्होंने भी एक सहरे फहरिस्त हो कई ऐसे डॉक्टर हैं जो मतलब अपनी कामयाबी का सबूत देंदे हो आला अहदियों तक पहुँचे और काबिलियत की कोई कमी नहीं इसते पहाड़ी लेकिन नौजवान नसल दर अगर देखा तो सबको क्या लगता है कि उन्होंने साइंस को कहना है तिब को कहना है किस किस्म का रुझान है? बिल्कुल माशाल्लाह जी 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 मतलब हूँ जी असं पुराने डॉक्टर कहते हैं मतलब मैं उन्होंने एक आदमी हाँ मैं भी हाँ इस मतलब इंशाल्लाह फाइनल पोजिशन है माड़ी जिस समय आ जा फिर असों को बैरून रियासत भी अपने पहाड़ी डॉक्टर हैं जी मैं एक ना कहना चाहता मतलब डॉक्टर मतलब गुलाम नबी साहब हैं जो बाहर हैं अज मतलब ही इज मतलब डूइंग ऑल द मतलब जी टू द एक्सट्रीम्स जी मतलब ये आर्टिफिशियल मतलब एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय दैट फेलो जी तो कितने साइंसदान भी हैं। हाँ हाँ बहुत सारे जी और बच्चे जो अज से मतलब डॉक्टर्स इस बिच इस फील्ड में मेडिकल फील्ड में इंशाल्लाह दे हैव द कैपेसिटी मतलब जी इंशाल्लाह दे विल जी मैनेज टू द फुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब सा असा गल की और सारे देखने जी सारे देखने वाले को नालों असं यही उम्मीद रख सा कि अपने बच्चों को तालीम दे नूर नाल मुनवर कलारन और नाल ही जिस तरह डॉक्टर नसीर अवान साहब हैं डॉक्टर जावेद साहब हैं डॉक्टर परवेज साहब हैं या बाकी कई ऐसे ना हैं जो शायद इस वक्त जहन में भी ना आवन तो उन्होंने नक्शे कदम तक चलते हुए जिंदगी के हर शोबे में अपनी काबिलियत का सबूत देवन अगे आवन मेहनत करन पढ़न पढ़न अगे बदन ताई क्योंकि जिस वे नौजवान तबका पढ़ के अगे बद सी किसी शोबे में महारत हासिल कर सी अस्ती सोसाइटी समाज भी मिलसी और अस्ती कौम भी फलसी फुलसी। तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ हिल्स असा नाल बने रहो।